ये ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? देखिए मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बाकी इनके शरीर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा नाजुक है। इश्का, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? हमें संस्कार को फोन करके पूछना होगा कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं, लक्ष्य ठीक है या नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे, छोड़ो, सारा सारा तुम अंदर जाओ। टायर के निशान, सत्कार हमें वहां चलकर देखना चाहिए। नहीं स्वरा, यहाँ पर आगे जंगल है, वो लोग यहाँ नहीं गए होंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा। ऊपर से वो गुंडे वापस आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो हम कहीं और चलकर देखते हैं। ओके सत्कार, एक मिनट रुको। गाड़ी के टायर के निशान है, पर वो भी सिर्फ एक तरफ के, मतलब यहाँ से कोई गाड़ी जरूर गई है पर वो वापस नहीं आई है। एक बार चलकर देखते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो, चलो देखते हैं। आओ जल्दी चलो। थैंक यू सबको ये साबित करने के लिए कि तुम अभिमन्यु खन्ना और लक्ष्य नहीं। पता है क्या तुमने साबित किया ना, तो मेरे सबसे टेंशन खत्म हो गई। इतने सराव संस्कार भी जान ले लेते। सॉरी यार, तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पे और मैं तुम्हें ऐसे दर्द दे रहा हूँ। तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो कि दर्द है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा। फिर तुम और तुम्हारी मिश्का आराम से ऊपर जाके कैरम खेलना, कैरम पसंद है ना उसे। ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? जाने मेरे। और ये जो तेरी मिश्का है ना, ये बहुत कुछ जानती है, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है, है ना मानसी? हाँ वो बहुत कुछ जानती है, लेकिन क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते? अभी वो एक छोटी बच्ची है, जैसे जैसे बड़ी होगी सब कुछ भूल जाएगी। और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि उसे मूव ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, वो बहुत ज्यादा जानती है इसे रिस्क। मिश्का को तो मरना ही पड़ेगा। ओके बाय द वे लक्ष्य, तुमने हमारी इतनी मदद की है तो कम से कम मैं तुम्हारी आत्मा को शांति तो दे ही सकती हूँ, है ना? लक्ष्य, इस गम के साथ मत जाना कि तुमने मेरे पति को मारा। सॉरी अगेन, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। चौंक गए? तुम्हें पता है सच तो यह है कि अभिमन्यु और मेरी कभी बनी ही नहीं। हम दोनों के बीच जो दूरियां आई
उसमें मैं और निखिल एक दूसरे के करीब आ गए। फिर क्या, मैं प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे और निखिल को बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने अभिमन्यु को कन्विंस किया कि ये बच्चा उसका है। पर सच तो यह है कि मिश्का निखिल की बेटी। अभिमन्यु मान गया, उसने मुझे और मिश्का को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, पर उसके बाद वो मुझे और मिश्का को कनाडा में ही छोड़ के इंडिया चला गया। और तभी मुझे पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी और पैसे मुझे नहीं मिल सकते। मेरी शादी टूट गई और मेरा अमीर बनने का सपना भी। इसलिए मैंने और निखिल ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। और जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उस दिन अभिमन्यु खन्ना ऑलरेडी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अगर तुम्हारी गाड़ी उससे नहीं भी टकराती ना, तब भी वो मरता, क्योंकि उसे तुमने नहीं मारा, उसे हमने मारा। आज तुम्हें मार के मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी और अभिमन्यु खन्ना की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। चलो। ले चलो इन दोनों को। भाभी आप दोनों यही रखिए, मैं अभी आती हूं। अंदर आओ। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा परिवार आज पूरा हो गया, मेरी दोनों बेटियां घर वापस आ गई हैं। ना जीजी, अब इतना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत ना है। अब देखना, ये दोनों छोरियां ना कभी किसी को परेशान ना करेंगी और बस खुशियां ही खुशियां देंगी जे घर में। क्या हुआ लक्ष्य?
आप ठीक तो है ना? ये लक्ष्य तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ये अब तुम्हारी हालत ठीक है। संस्कार, मुझे तुमसे माफी मांगनी है बेटा। मैंने तुम पर कई इल्जाम लगाए, चाहे वो लक्ष्य की किडनैपिंग हो या फिर उसे बहकाना, लेकिन सच तो ये है कि आज अगर लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है तो वो सिर्फ तुम्हारी और स्वरा की वजह से। सच मानो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। नहीं माँ। नहीं बड़ी माँ। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? ये तो मेरा फर्ज था, लकी मेरा भाई है। जो हुआ उसे भूलना आसान नहीं है, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हमारे बच्चे हमारे पास आ गए, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ, लेकिन मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इन सब में उसका कोई दोष नहीं है, फिर भी उसे कितना कुछ भुगतना पड़ रहा है। मिस्टर महेश्वरी, लक्स जी, मिस्का आठे। हाँ चाची, मैंने ही मिस्का को यहाँ बुलाया है। पापा, पापा, मिशु, कैसे कहा मैंने आपको? गुड गर्ल रोती नहीं है ना? चलो शांत हो जाओ। गुड गर्ल। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों में मैं मिश्रा के इतने करीब आ गया हूँ कि साफ साफ बोलता हूँ, इतना सब हो गया है पापा कि उसमें इस बच्चे की क्या गलती है, और मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ दूं, या फिर मैं और रागिनी इसे अपनी बेटी बनाकर इस घर में ले आए। ये बात काफी समय से आपसे पूछना चाहते थे पापा, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बात हिम्मत की नहीं है लक्ष्य, अच्छी सोच और अच्छी समझ की है। हमें तुम दोनों के फैसले पर गर्व है। मिश्का आज से हमारे घर, हमारे परिवार का हिस्सा है। कैसे थैंक यू बोलूं आपको? थैंक यू पापा। थैंक यू लक्ष्य, हमारा परिवार पूरा करने के लिए
चलिए हम सब मिलकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आइए। भगवान जी बस मारे परिवार पे ना अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा और मारे जे बच्चों पे कभी कोई दुख ना आए और हम लोग हमेशा बस खुश रहें। पर अभी भी एक कमी है। आपका ही कमी रहेगी भाभी माँ। बताती हूँ मेरी बहुओं ने तुम दोनों का बहुत इंतजार किया है। आज इनकी मांग में सिंदूर भर के इनका इंतजार खत्म कर दो।